हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी जो आपके सामने लेके आया हूँ ये बहुत ही खास रहने वाली है। किस किस के लिए है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है? जी हाँ, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी के लिए है। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है। ऐसी वैकेंसी कोई और आपके लिए नहीं ला पाएगा। अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। प्लस अपने दोस्तों तक जरूर बताइएगा कि ऐसा करके कोई चैनल है जो आपके लिए ऑलवेज खड़ा रहता है। रही अर्जेंट हायरिंग की बात, तो आपको अर्जेंट हायरिंग के कुछ बंदों के पास कॉल चले भी गए होंगे और कुछ बंदों के पास जाने लग रहे होंगे। इतनी श्योरिटी है जिन्होंने मेल किया था मेरे को। मेल कब? 18 तारीख से पहले। 18 तारीख से पहले जिसने मेल किया था उनकी जॉब लगाना मेरी गारंटी है एनी कॉस्ट। क्योंकि आपने, मैं जब आपको बोलता था कि आप वीडियो देखिए या फिर अप्लाई कीजिए, आपने मेरी बात मानी तो मैं आपकी बात मानूंगा। ये मेरी गारंटी है। आपके, आपका भाई ऑलवेज आपके लिए खड़ा है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है याद से करने। कैसे अप्लाई करना है इस वैकेंसी में, कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को याद से फॉलो कर ले, क्योंकि मैं शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेटों की लिस्ट आज रात को या कल सुबह को आपके टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से जल्दी डालने जा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एज वेल एज कमेंट सेक्शन में है। अगर इसी वीडियो का और इस वाली वैकेंसी का लिंक चाहिए तो इस वाली वैकेंसी का लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर एक पिन कर रखा है मैंने कमेंट, वहां जाएंगे, जैसे ही अप्लाई करेंगे, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपको सीधा ये वैकेंसी खुल के आ जाएगी। जब आएगी तो वहां जाके अप्लाई कर दीजिएगा। अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आपका भाई ऑलवेज। और मेरे को सर्वर मत बोला करो यार, आपका भाई हूं, छोटा समझो, बड़ा समझो, जो समझना समझो, लेकिन भाई समझो। रही बात, ये कोई सर मत बोला करो कमेंट में। जो मन है, जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप के जाया करो, अनलिमिटेड लिख दिया करो, जो मन आए लिख दिया करो, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और दोस्तों आपके लिए ऑलवेज ये चैनल बहुत आगे ग्रो करेगा और आपके लिए खड़ा रहेगा, आपके भाइयों के लिए खड़ा रहेगा ऑलवेज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने जो देखा है अभी आदित्य बिरला ग्रुप में जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी आ रही है, उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। FLO जूनियर इंजीनियर FGD EFD। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताया कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इसके साथ साथ FLO सिविल, FLO मैकेनिकल, मैकेनिकल के साथ साथ FLO जूनियर इंजीनियर, इसके साथ साथ असिस्टेंट ऑफिसर लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक के साथ साथ मार्केटिंग। दोस्तों यहाँ एलिजिबल कौन कौन है? आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए वैकेंसी आई है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूं। दोस्तों ये वैकेंसी आई कब है? आज है 19 अक्टूबर। ये आई कब है? अक्टूबर 18 को। तो भाई अप्लाई करना तो आपके हाथ में ही है। मैं आपके सामने वैकेंसी ला सकता हूं, आंख बंद करके वैकेंसी ला सकता हूं, अनलिमिटेड हायरिंग आपके सामने ला सकता हूं। बट एक काम कर सकते हैं आप, अप्लाई कर दीजिए भाई, प्लीज अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसमें कौन कौन एलिजिबल, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, इन्होंने डिप्लोमा वाले मांगे हैं, डिप्लोमा वाले, ओनली डिप्लोमा। और इसमें एक्सपीरियंस कितना मांगा है? 0 to 5। किसके लिए है? DET, GET, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, GET की भी दिखाऊंगा। यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन, देखिए आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, मिनिमम एक्सपीरियंस लेवल, क्वालिफिकेशन मिनिमम, डिप्लोमा। और रिपोर्ट किसको करना है? आपको डायरेक्ट जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करना है। और आपकी यहाँ फ्यूचर सेट है अगर एक बार जॉब लग जाएगी। अब आप बोलेंगे कि मैं, ये तो ट्रेनिंग की वैकेंसी है ही नहीं। तो दोस्तों आप देखिए प्रेजेंटेशन बाय द GS ट्रेनी, जो यहाँ ये ट्रेनी के लिए ही वैकेंसी है। और आपको काम काम क्या क्या करना होगा, इसमें ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल हैं। अब आप देखेंगे क्या ये DET के लिए वैकेंसी है? जी हाँ, यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनीज। एक चीज़ जो मैं और बता दूँ, देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, ये डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी नहीं है, ये ट्रेनीज है, ये प्लूरल है। और यहाँ जो वैकेंसी हायरिंग होगी ये 500 प्लस हायरिंग्स हैं। जी हाँ, और ये DET के लिए, और ये तो ट्रेनिंग होगी, एक साल के बाद आपको यहाँ परमानेंट कर दिया जाएगा। एक साल के दौरान पता है आपको सैलरी कितनी मिलेगी? 45,000। क्योंकि ये भारत की सबसे टॉप कंपनी जूनियर इंजीनियर के लिए अनलिमिटेड वैकेंसी निकाल के लाई है, जो कि रहने वाली है आदित्य बिरला ग्रुप के पल्प एंड फाइबर डिपार्टमेंट में।
आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई भी आपको सामने ही अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है। अब भाई एक्सपीरियंस वालों की बात, जो एक्सपीरियंस वाले मेरे भाई हैं उनके, उनको थोड़ी ना मैं पीछे छोड़ दूंगा, ऑलवेज उनके लिए भी खड़ा हूँ। जब मैं फ्रेशर वालों के लिए खड़ा हूँ तो एक्सपीरियंस वालों के लिए भी खड़ा हूँ। तो एक्सपीरियंस वालों को क्या करना है मेरे भाइयों को, एक्सपीरियंस वालों को देखो यहाँ आपको मैकेनिकल दिख जाएगा, यहाँ आपको सिविल दिख जाएगा, यहाँ मेरे भाई को इलेक्ट्रिकल दिख जाएगा। अब हम इनके क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया जान लेते हैं। अब देखेंगे इन्होंने क्या मांगा है जी, इन्होंने मांगा है डिप्लोमा बीटेक दोनों ही मांगे हैं और 4 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप है तो आप भर दीजिएगा। दूसरा मांगा है इंजीनियर के लिए, दोनों पोस्टिंग कहाँ रहने वाली है, गुजरात में रहने वाली है। इसमें भी क्राइटेरिया क्या मांगा है, सेम मांगा है। अगर सिविल का देखेंगे तो सिविल वालों के लिए भी यही मांगा है, इसमें भी सेम चीज मांगी है। तो आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से अप्लाई करेंगे। अब आप बोलेंगे कि यार आपने डीईटी की दिखाई, जीईटी की दिखाई नहीं। तो भाई मैंने ये भी बोला ना मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला ना, तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ अनलिमिटेड अप्लाई कर देना। यहाँ जो हायरिंग है वो 500 प्लस डिप्लोमा ग्रेजुएट वालों को दोनों को बम्पर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। सैलरी 45,000 रुपये रहेगी। अब अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम में क्या होगा कि अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर रिप्लाई नहीं आएगा। तो आपको क्या कर लेना है, इस वैकेंसी के बारे में किसी को पता नहीं है, सबसे पहले आप अप्लाई कीजिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे अप्लाई कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच, अपना कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं वो जरूर मेंशन कर दीजिए। अब इसमें ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल, ये सब ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं। अब आप बीटेक हैं या डिप्लोमा है वो आप देख के और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आपसे मांगा जाएगा कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना। ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ से अप्लाई फॉर दिस जॉब करके और जल्दी से जल्दी वहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका भाई ऑलवेज खड़ा है। तो कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर ठोक के जाइएगा, लाइक 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 और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।